नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट और इस वक्त हम खड़े हैं हिमालय इंस्टीट्यूट में। हिमालय इंस्टीट्यूट लगभग 7 वर्षों से रेवाड़ी शहर में संचालित हो रहा है और इस वक्त जो हिमालय इंस्टीट्यूट की जो पूरी टीम है वो हमारे साथ में है। करीबन 7 वर्षों में 2500 बच्चों का सिलेक्शन ये टीम करा चुकी है। अभी हाल में ही जो आर्मी क्लर्क का जो रिजल्ट आउट हुआ है उसमें भी 25 में से 19 बच्चे हिमालय इंस्टीट्यूट के सेलेक्ट हुए हैं। किस तरह से इन्होंने शुरुआत की, किस तरह से जो इनका पढ़ाने का तरीका है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये कि जो आपकी जो टीम है वो किस तरह से आप इकट्ठा हुए, किस तरह से हिमालय की शुरुआत हुई? देखिए, मैं पहले सब लोगों को नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम आशुतोष यादव है, मैं डायरेक्टर हूँ हिमालय कोचिंग एकेडमी का और पिछले 7 सालों से हम ये इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और लगभग 2000 प्लस बच्चों का हमने सिलेक्शन कराया है। और मेरे साथ ही मेरी पूरी टीम है। यहाँ पे जोगिंदर सर हैं, इंग्लिश के बेहतरीन टीचर हैं, बेहतरीन फैकल्टी है और इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ आर्मी क्लर्क के हमने 19 बच्चे सिलेक्ट कराए हैं। उसके बाद उधर चंद्रहास सर हैं जो हरियाणा जीके और जीएस का पोर्शन संभालते हैं। उसके साथ ही हमारे साथ सुधीर सर हैं जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर का काम करते हैं यहाँ पे। और इधर मेरी बाई तरफ यहाँ पे हमारे MSP सर हैं जो GK पढ़ाते हैं, हिस्ट्री का पोर्शन, करंट अफेयर ये सब देखते हैं। उसके साथ साइंस का पोर्शन हमारे राकेश सर संभालते हैं और उधर रीजनिंग अमित सर और हमारे हिंदी के सर हैं धर्मेंद्र सर। तो ये हमारी पूरी फैकल्टी है। और देखिए, सिंपल फंडा ये है हमारे साथ बच्चों का सिलेक्शन कराने का कि हम ईमानदारी से अपना काम करते हैं। बिल्कुल प्रोसेस जो है वो सिंपल है, बिल्कुल ईमानदारी से बच्चों के साथ स्टेप वाइज चलते रहते हैं। वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्लास का टाइमिंग ऐसे फिक्स नहीं है कि हम 9 से 5 ही पढ़ा रहे हैं। किसी भी वक्त बच्चा हमसे फ़ोन पे कनेक्ट होता है या मैसेज के थ्रू कोई डाउट पूछना चाहता है तो हमेशा हम बच्चों के साथ तैयार रहते हैं किसी भी वक्त। और यही एक रीज़न है कि हम दूसरों से अलग हैं। हम अपने प्रोफेशन में ऐसे नहीं है कि हमारा टाइम 9 से 5 है, हम 24 आवर्स लगभग बच्चों के लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करते हैं और इसी का परिणाम ये है कि हम बेहतर रिजल्ट दे पाए हैं। बच्चे अभी बच्चों से बातचीत कर रहे थे, बच्चे ये कह रहे थे किसी को 20 दिन हुआ है, किसी को 1 महीना हुआ है, तो इतने कम समय में ये पॉसिबल कैसे हुआ? उसका एक ही सिंपल फंडा ये रहा कि हमने जो टाइमिंग रखा क्लासेस का वो करीब 9 बजे से 7 बजे तक का रखा। मतलब हम बच्चों को सिर्फ वक्त देते थे तो लंच के लिए थोड़ी देर का, आधे घंटे का रेस्ट, उसके अलावा हर सब्जेक्ट की 2-2 क्लासेस, स्पेशल डाउट क्लास, दिन में 2 टेस्ट सीरीज और पर्सनली बच्चे पे काम करते थे। जो एक एक बच्चा है, कोई बच्चा कमज़ोर रह गया, सपोज करें मैथ्स में कमज़ोर रह गया या कोई बच्चा इंग्लिश में वीक है, तो उसके साथ पर्सनली हम खुद बैठते थे। हमारी पूरी डाउट की टीम है, वो टीम साथ काम करती है। तो इस प्रकार से एक बच्चे के सिलेक्शन का हम काम करते हैं और इसी वजह से इतनी भारी संख्या में बच्चे हमारे पास आ रहे हैं बार बार और पढ़ रहे हैं। और एक सिंपल पर्पज हमारा यहाँ पे कोचिंग कराने का या कोचिंग इंस्टीट्यूट कराने का वो यही था कि जो बच्चे दूर दराज क्षेत्र के हैं उन्हें बहुत दूर कोचिंग के लिए जाना पड़ता था और अब हम ये सुविधाएं इतनी अच्छी टीम के साथ और इतने अच्छे एनवायरनमेंट में यहीं पे अवेलेबल करा रहे हैं। काफ़ी बड़े ग्रुप्स भी देखते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जिनके सैकड़ों की संख्या में कोचिंग सेंटर्स है, तो डिफरेंस क्या है आपके में? और फिर जो बच्चा अगर कोई भी जब कोचिंग सेंटर की तलाश करता है तो जाहिर सी बात है अलग अलग जगह डेमो क्लासेस वो लेता है, तो क्या देखना चाहिए बच्चे को? सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि बच्चे को सिर्फ एक चीज़ देखना चाहिए कि सामने जो टीचर आपके पढ़ा रहा है वो इफ़ेक्टिव कितना है, उसका नॉलेज किस लेवल का है, वो नॉलेज उसका जानना और दूसरा पढ़ाने का वे क्या है, उसका तरीका क्या है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब आपने बात की कि हमारे अंदर और दूसरे लोगों में, दूसरे इंस्टीट्यूट्स में फ़र्क क्या है, बच्चे यहाँ पे ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, उसका एक सिंपल फंडा ये है कि हम सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, बच्चे के साथ कनेक्ट होते हैं, उसके साथ उसके घर तक का रिलेशन रखते हैं, उसके पेरेंट्स से लगातार हम बात कर रहे होते हैं कि बच्चा किस सेक्शन में वीक है, किस में नहीं है, उसको बताते हैं, हम पेरेंट्स को बताते हैं कि वो बच्चा आज आया है क्लास में, नहीं आया है, प्रॉपर उसके अटेंडेंस उसके पेरेंट्स तक पहुंचती है। वही उन सब का एक प्रोसेस है सिलेक्शन, उन्हीं का एक रिजल्ट होता है कि हम सिलेक्शन दे पाते हैं। तो यही सारे फंडे हैं, इसलिए हम दूसरे लोगों से अलग हैं। हाल में ही आर्मी कलर का रिजल्ट आउट हुआ है और रेवाड़ी के हिमालय कोचिंग एकेडमी से 25 में से 19 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और आज उसी का सेलिब्रेशन यहाँ कोचिंग एकेडमी पर किया जा रहा है। सभी बच्चे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इन सभी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आज ये सेंटर पे पहुँचे हैं और इन्होंने सेलिब्रेट किया है। क्या कुछ, किस तरह से तैयारी रही, कोचिंग सेंटर का क्या योगदान रहा, हमारे साथ बच्चे उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रोहित सिंह है, मेरे पिताजी का नाम अमित सिंह है, मैं गांव गढ़ी हरसुर से बिलोंग करता हूँ।
मैंने अपनी आर्मी जिड्डी की कोचिंग हिमालय इंस्टीट्यूट जो कि रेवाड़ी में ब्रास मार्केट में वहाँ से ली है। यहाँ टीचर्स ने बहुत स्ट्रगल कराया है, दिन रात बच्चों पर मेहनत करी है। हमारी क्लासेस चलती थी सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक, आशुतोष सर मैथ्स के एक्स्ट्रा क्लास लेते थे 7 बजे तक भी, और बहुत मेहनत करवाई है सर ने। हमने भी दिन रात एक कराया, पर जैसे टेस्ट सीरीज मिलती थी हमें दिन में 2-2 बार मिल जाती थी, 3-3 बार। कोई भी क्वेश्चन जैसे किसी में भी डाउट हो आके किसी टाइम पूछ लो सर से, कभी पूछ लो। मतलब बच्चों पे ऐसा माहौल किया, ऐसा नहीं कि हम इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले रहे हैं, ऐसे घर जैसा माहौल बना हुआ था बिल्कुल। जो भी चीज़ क्वेश्चन चाहिए कभी भी कॉल कर लो, चाहे रात को 1 बजे कॉल मिला दो सर, तब भी हमें आंसर देते थे कि भाई ऐसा नहीं ऐसा, बच्चों के स्ट्रगल के लिए। मैंने यहाँ 1 महीने कोचिंग करी, 1 महीने में ही सिलेक्शन पाया है। आपका क्या नाम है और जो कामयाबी आपको मिली है तो किसको श्रेय देंगे और किस तरह से रही तैयारी पूरी? मेरा नाम विकास यादव और मेरा सिलेक्शन आर्मी कलरक में हुआ है जी। तो जैसे कि हमने तो मेहनत की है, लेकिन हमारे साथ जो टीचर हैं उनका योगदान मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा रहा। जो लिमिटेड टाइम हमें जो मिला था एग्ज़ाम में, वो उसमें तैयारी करना बहुत ही मुश्किल काम है, तो हमारे टीचर ने जो योगदान दिया हमारी तैयारी में, तो 50% हमारा था लेकिन 50% इनका भी था। तो और कोचिंग इंस्टीट्यूट में जैसे मैं गया था तो उनमें जो एग्जैक्ट जो चीज़ आती है वो पढ़ा नहीं रहे थे, मतलब ऐसे ही था। तो इतने कम टाइम में जो एग्जैक्ट चीज़ जो एग्ज़ाम में आएगी वो यहीं पे होगी, हिमालय कोचिंग। आपका क्या नाम है और क्या कहेंगे किस तरह से तैयारी की और डिफरेंस क्या है दूसरे कोचिंग सेंटर्स में और आपने हिमालय ही क्यों चुना था? मेरा नाम आकाश है, मैं झज्जर जिले से रहने वाला हूँ। मैंने हिमालय कोचिंग में एडमिशन लिया था, जैसे ही मेरा फिजिकल क्लियर हुआ और यहाँ पे मैंने तकरीबन लमसम 40 से 50 दिन अपने आप को दिया, और यहाँ की जो भी फैकल्टी रही उनका मैं उनको अपना पूरा श्रेय देता हूँ। उनकी मेहनत से ही आज हम क्लियर कर पाए हैं। और जैसा कि आप मैंने पहले बताया कि टाइम बहुत कम था, लेकिन हमारे जो हिमालय कोचिंग के जो फैकल्टी थे उन्होंने टू द पॉइंट हमें मटेरियल दिया और एक्स्ट्रा क्लासेस ली। हमने 40 से 50 दिन में सारा कोर्स कंप्लीट किया, टेस्ट सीरीज लगाई, मॉक टेस्ट दिए। आपका क्या नाम है और क्या कहेंगे आप किस तरह से तैयारी की आपने और मेरा नाम श्रेय देंगे? मेरा नाम साहिल यादव है, मैं गांव मंगड़वा का रहने वाला हूँ। मैंने मात्र 20 दिन में तैयारी की यहाँ पर, और मैं स्पेशली थैंक्स करूँगा जोगिंदर सर को, क्योंकि मैंने आज से पहले इंग्लिश कभी नहीं पढ़ी थी। मैंने 20 दिन इंग्लिश पढ़ी और मेरा आर्मी क्लर्क में सिलेक्शन हो गया। और हिमालय कोचिंग बेस्ट है, भीड़ का हिस्सा मत बनो, सिलेक्शन यहीं से मिलेगा आपको। तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि बड़ा ब्रांड है तो अच्छी पढ़ाई वहाँ होती होगी, ये तो वही बात होगी, ऊंची दुकान फीके पकवान। यहाँ पे आइए, आपको बढ़िया मटेरियल मिलेगा, स्टडी का बढ़िया फैकल्टी मिलेगी जो आपको हर कदम पे आपका साथ देंगे। आप किसी भी टाइम इनसे कोई भी डाउट पूछेंगे सर को, सर बहुत कोऑपरेटिव है, यहाँ का स्टाफ भी हमेशा डाउट सोल्व करने के लिए तैयार। किस तरह का रहा सिलेबस आपका जो पूरा जो सर ने पढ़ाया था? मैंने 20 दिन तैयारी की थी यहाँ पे, वो का वही पेपर में देखने को मिला था। तो मात्र 20 दिन में सिलेक्शन हुआ? 20 दिन मात्र, मैं मेरी क्लास में सबसे लास्ट में आया था। आपने कितने समय तक यहाँ कोचिंग ली? मैंने 2 मंथ तक यहाँ पर कोचिंग की थी, और जो सर ने बताया था मैंने उतना ही मैटर पढ़ा था, सिर्फ मतलब लिमिटेड मैटर पढ़ा सर ने दिया ना उतना ही पढ़ा था, और 2 महीने में मेरा सिलेक्शन हो गया। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? मेरा देवेंद्र नाम है, बीरोद राजस्थान से हूँ। अच्छा, राजस्थान से आप। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरिओम सिंह है, मैं गुजरमाजरी गांव से हूँ, तहसील बावल। क्या आपने भी 2 महीने या फिर 3 महीने कोचिंग लिया फिर ज़्यादा समय था? मैंने 1 महीना कोचिंग ली थी, मेरा पहले फिजिकल हुआ था लेकिन मेरा रिटर्न नहीं हुआ था, फिर ये स्कीम चली थी, फिर मैंने जैसा ही फिजिकल क्लियर हुआ तो मैं यहाँ हिमालय कोचिंग में आ गया। यहाँ पे बढ़िया मटेरियल दिया, जो मटेरियल दिया उसी में से मेरा एग्जाम हुआ था। 50 क्वेश्चन आए थे उसमें से 48 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए और वो बिल्कुल करेक्ट थे। तो कुल मिलाकर एक बड़ी अचीवमेंट है हिमालय इंस्टीट्यूट की, और जैसा कि बच्चों ने कहा कि बेहद कम समय में, किसी को 2 महीने हुए, किसी को 2.5 महीने, तो किसी को 20 दिन में ही केवल उन्होंने यहाँ कोचिंग ली और जो ये कामयाबी ये हासिल की। आगे किस तरह से है और किस किस तरह की कोचिंग दे रहे हैं इंस्टीट्यूट में? देखिए, अभी तो हमारे पास ऑफलाइन बैचेस ही चल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हमारा ये प्लान है कि हम डिजिटल बोर्ड के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चों को अवेलेबल कराएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस हमें आते हैं, मेल्स आते हैं कि सर हमें प्लीज़ ऑनलाइन भी ये कक्षाएं अवेलेबल कराई जाए, क्योंकि बहुत दूर के बच्चे हैं, कोई यूपी के साइड से है, कोई महेंद्रगढ़ से है, वो यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है मान लो, या कोई कहीं भी अलग स्टेट्स के बच्चे जो हमसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए हम ऑनलाइन क्लासेस जल्दी लेके आ रहे हैं। इसके अलावा ऑफलाइन में हम जो बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं
पुलिस का बैच हमारे पास चला हुआ है, चंडीगढ़ पुलिस का स्पेशल बैच चला हुआ है, एसएससी सीएचएसएल का चला हुआ है और आर्मी के तो हमारे पास तीन तीन बैचेज चले हुए हैं जो जिनमें बहुत संख्या में बच्चे हमारे पास हैं। तो ये हमारा निकट भविष्य का प्लान है। कुछ नीडी पर्सन्स भी होते हैं, बच्चे जो गरीब बच्चे आर्थिक तौर पर कमज़ोर है, तो उनके लिए कुछ खास है आपके लिए? स्पेशली जो बच्चे ऑर्फन होते हैं, जिनको मनाथ कहते हैं, जिनके माता पिता नहीं होते, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग अवेलेबल कराते हैं। या फिर किसी बच्चे के स्थिति इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि वो फीस देने में असमर्थ है, तो हम उसको जितना हो सकता है उतना अपनी तरफ से मदद करते हैं, सहायता करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको बुक्स अवेलेबल कराते हैं, सारे पढ़ने का मटेरियल अवेलेबल कराते हैं और क्लासेस में भी हर तरीके से हमारा सपोर्ट रहता है उस बच्चे के साथ। तो इसीलिए हम थोड़ा अलग हैं दूसरों से। अपकमिंग बैचेस हम एसएससी सीएचएसएल का बैच लेके आ रहे हैं और उसके साथ ही दिल्ली पुलिस का बैच हम लेके आ रहे हैं और एसएससी सीजीएल के बैच, क्योंकि हमारा मोटिव ये भी है कि बच्चों को सेंटर लेवल की तैयारी भी अच्छे लेवल पे कराई जाए। क्योंकि आर्मी में तो हमने बहुत सारे सिलेक्शन अभी दिए हैं रिसेंटली, कॉमन बैचेस में भी जैसे एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, एसएससी जीडी जिसकी बात करें, एसएससी सीएचएसएल, उसमें भी हमारे बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं। तो उसी के लिए हम इस पर थोड़ा काम करना चाह रहे हैं। सीएचएसएल सीजीएल सीपीओ एनडीए सीडीएस इन सब के बैचेस हम लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी।